क्या बात है फनी, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है। आज कौन से नए कान करके आया है तू? कान नहीं, बहुत मस्त काम किया है मैंने। ये देख, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मार्केट से फ्रेंडशिप बैंड खरीद कर लाया है और दिंगे तो ऐसे मार रहा है जैसे पहाड़ तोड़कर लाया है तूने। वैसे बढ़िया है। थैंक यू। देख गोनी, तू हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करता है। जानता है मैंने ये वैन खुद अपनी हाथों से बनाया है, DIY। ओ अच्छा, तभी मैं कहूँ क्या बात है। अगर तूने खुद इसे अपने हाथों से बनाया है तो बहुत मस्त है, लेकिन तूने ये DIY सीखा कहाँ से? सोशल मीडिया, और कहाँ से। तू तो जानता है कि आजकल मकान से लेकर दुकान तक, टॉफी से लेकर पकवान तक, सब कुछ DIY कर सकते हैं। खुद से कुछ भी बनाने का क्रेज तो बच्चों से लेकर बड़ों तक को है। तू सही कह रहा है फनी। कल ही मेरे दादाजी YouTube पे एक वीडियो देख रहे थे फ्रिज रिपेयर कैसे करें। थोड़े देर बाद फ्रिज अलग और दरवाजा अलग। लेकिन बात तो तूने सही कही है फनी, क्रेज तो DIY का पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। तो फिर सोच क्या रहा है गनी? चला अपनी हाथों की चक्कर गिनी। क्यों नहीं। सो माइंड वॉरियर्स अ बिग हाय। और आज टॉक ऑफ द टाउन में जानेंगे क्यों है पॉपुलर DIY। लेट्स बिगिन। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, यानी किसी भी चीज को खुद ही कर लेना। फिर चाहे वो ड्रेस बनाना हो या घर बनाना, हेयर कटिंग करना हो या होम बजट में कॉस्ट कटिंग, DIY में सब कुछ शामिल होता है। फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं वर्ल्ड वाइड में DIY की मार्केट वैल्यू कितनी है? कितनी है बता? जितनी तू सोच भी नहीं सकता फनी। DIY का 2018 में नेट मार्केट वैल्यू था $819.53 billion और 2025 तक इसके $1,137.57 billion तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वाह क्रेगॉक! अरे संभाल। वर्ल्ड वाइड DIY में सबसे ज्यादा पॉपुलर है होम मेकिंग एंड होम इम्प्रूवमेंट DIY, यानी या तो अपना घर बनाना हो या उसका इंटीरियर या एक्सटीरियर चेंज करना है, या फिर गार्डनिंग, प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिसिटी का काम हो। लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर घर के कामों से जुड़े DIY वीडियोस को देखते हैं और अप्लाई करते हैं। 2019 में सिर्फ होम इम्प्रूवमेंट DIY का ग्लोबल मार्केट $735 billion का था। जस्ट इमेजिन। अच्छा, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, बड़ी भी और पुरानी भी। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये DIY का ट्रेंड कितना पुराना होगा? पुराना? अरे नहीं, ये तो नया है, बिल्कुल नया। आज से मेरे ख्याल से 10 साल से पहले DIY का ट्रेंड चालू हो गया होगा। यही तो मात खा गया ना तू फनी। हम में से कई लोग सोचते होंगे कि ये DIY 20th सेंचुरी की देन है, लेकिन सच बात तो यही है कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। 17th सेंचुरी में सबसे पहले एक राइटर जोसेफ मैक्सॉन ने अपनी बुक मैकेनिक एक्सरसाइजेस में DIY को मेंशन किया। इस बुक को आज भी मॉडर्न DIY का ग्रैंडफादर यानी दादा समझा जाता है। 1683 से 1685 के बीच में ये बुक बहुत पॉपुलर हुई। इसमें हाउ टू बी अ ब्लैकस्मिथ, हाउ टू कास्ट मेटल, वुडवर्क, हाउ टू प्रिंट बुक्स और हाउ टू मेक मैप्स एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कई टॉपिक्स पर DIY के चैप्टर्स लिखे हुए हैं। लेकिन ये बुक सिर्फ ऐसे कामों पर फोकस करती थी जिसे सिर्फ मेन कर सकते थे। इसके बाद 19th सेंचुरी में कई सारी किताबें आई जिसमें मेन के साथ साथ वुमेन DIYs को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई 1859 में पब्लिश हुई बुक सेल्फ हेल्प, जिसे सैमुअल स्माइल्स ने लिखा था। ये बुक उस टाइम की बेस्ट सेलर रही। इसमें DIY के साथ ये भी मेंशन किया गया कि किस तरह से लर्निंग
ह्यूमन प्लेजर का एक सोर्स हो सकता है और हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। बात तो सही है गनी, कुछ नया सीखने और करने में बहुत ही खुशी मिलती है, इसीलिए तो DIY इतने हिट है। ट्रू, पर धीरे धीरे DIY करना शौक नहीं बल्कि मजबूरी बन गया। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी और महंगाई आसमान छूने लगी। फैमिलीज में 2 से ज्यादा बच्चे होते थे और सभी के लिए नए टॉयज खरीदना मुश्किल हो जाता था, इसीलिए लोग घर में टॉयज बनाने लगे। फिर 20th सेंचुरी में हुए वर्ल्ड वॉर्स और उससे पैदा हुई मुश्किलों ने लोगों को अपने आप सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन DIY को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया एक टीवी शो ने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस शो का नाम? टीवी शो और DIY, ये क्या चक्कर है भाई? शो का नाम था बकनेल्स हाउस, जिसे बैरी बकनेल होस्ट करते थे। इसमें घर की चीजों को बनाया या रिपेयर करना सिखाया जाता था, फिर चाहे वो वुडन वर्क हो या इंटीरियर का काम। इस शो के 5 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा व्यूअर्स वुमन थी। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि हर वीक 40,000 से ज्यादा लेटर्स आते थे। अच्छा, आज की भाषा में तो ये शो बिल्कुल वायरल था। हाँ भाई, टीवी शो ही नहीं, मैगजीन्स भी बहुत पॉपुलर हुई। डू इट योरसेल्फ नाम की एक मैगजीन को खास ब्रिक लेइंग और वॉलपेपर हैंगिंग के बेसिक समझाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड DIYs भी इंक्लूड किए गए। इसी बात से समझ में आता है कि ये मैगजीन्स कितनी पॉपुलर हो रही होगी। आज भी इसे ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। क्या तू जानता है वानी, लोग सबसे ज्यादा कौन सी स्किल लर्न करना चाहते हैं? कौन सी? यही कि खुद से इलेक्ट्रिक ड्रिल चलाने का क्या सही तरीका होता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल नया नया मार्केट में आया था और लोगों को ये यूजर फ्रेंडली मशीन लगती थी और एक ड्रिल कई काम कर सकती थी, तभी तो पॉपुलर हो गया इसका DIY। पहले जो काम सिर्फ मेल कर देते, धीरे धीरे उनमें वुमन भी आ गई और पूरी फैमिली भी DIY में इन्वॉल्व हो गई। इसको देखते हुए तो DIY को ये कहकर प्रमोट किया जाने लगा कि ये फैमिलीज को करीब लाता है। ज्यादातर एड्स ऐसे बनने लगे जिसमें हस्बैंड वाइफ को साथ काम करते दिखाया जाने लगा और टैगलाइन बनी, DIY brings us together। अब जिन देशों में फैमिलीज का कल्चर ही नहीं था, ये रिश्ते बहुत ही जल्दी टूट जाते, वहीं तो इस तरह की मार्केटिंग ने कमाल कर दिया। सही बात है भाई, एक साथ काम करने का मजा ही तो अलग है। लेकिन हमारे इंडिया में DIY की क्या सिचुएशन है? इंडिया में तो DIY शुरू से ही था फनी। हम तो अपने घर भी खुद बनाते थे और घर में यूज होने वाले सामान भी, खाना बनाने के चूल्हा भी और उस चूल्हे पर गरम गरम खाना भी, कपड़े भी खुद ही सिलते थे और ज्वेलरी भी खुद ही बनाते थे। यहाँ तक कि अनाज उगाने से लेकर दुकान लगाने तक सारा काम हम इंडियन खुद ही करते थे। लेकिन फिर अंग्रेजों के आने के बाद चीजें बदली और उनके रहन सहन का असर हमारी सोसाइटी के ऊपर भी दिखने लगा। हम भी हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगे, लेकिन अपने हाथों से काम करने का चलन कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और 20th सेंचुरी में सोशल मीडिया के बूम की वजह से DIY फिर से पॉपुलर होने लगा। सही कहा गणी तूने, और COVID-19 एंडेमिक में तो घर घर में हर इंसान अपना खुद का काम खुद करने लगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। जिसे देखो वो सोशल मीडिया पर देखकर कभी भी खाना पका रहा था तो कभी घर का टैप ठीक कर रहा था। लेकिन जानते हो फनी, सबसे ज्यादा DIY वीडियोस का यूज मिलेनियल्स करते हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स बताओ। हाँ, कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स के मुताबिक वर्ल्ड में 73% पीपल DIY से जुड़े हैं और 27% किसी काम को करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा DIY प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इन वीडियोस या पोस्ट पर मैक्सिमम व्यूज और लाइक्स आते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर DIY के फायदे तो देखो कितने हैं। कितने कितने कितने? देख, सबसे पहले तो कोई भी काम खुद कर लेने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और सेल्फ रिलायंस की भावना डेवलप होती है। दूसरा, हम बहुत ही सेविंग्स कर पाते हैं। साथ ही हमें एक नई स्किल सीखने मिलती है। अब आज से पहले क्या तू फ्रेंडशिप बैंड बना सकता था? नहीं।
लेकिन DIY वीडियोस देखकर तूने एक नया हुनर सीखा, राइट? हाँ। DIY हमारी क्रिएटिविटी को भी एनहांस करता है और क्वालिटी वर्क करने के लिए इंस्पायर करता है। कई रिसर्चर्स ये प्रूव करते हैं कि DIY करने वाले लोग ना सिर्फ बजट में काम करना सीख लेते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी दूसरों से बेटर होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। आप हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा DIY करना पसंद है, और ये भी बताइए कि आपने अभी तक माइंड वॉर्स ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं। आप ऐप से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और रोज मैं और फनी बहुत सारी चीज सीखते हैं, और तो और हम इसमें क्विज भी खेलते हैं और प्राइजेस भी जीत लेते हैं। हाँ, जल्दी से प्ले स्टोर से माइंड वॉर ऐप डाउनलोड कीजिए और खूब सारे इनाम जीतिए। और अब हमें जाने दीजिए और आपसे मुलाकात होगी फिर से दोबारा यही टॉक ऑफ द टाउन पर, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल माइंड वॉर्स। या टिल देन मैं बनी और मैं हनी सिंह, चाओ चाओ। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस विच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।